हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट सो इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ रात के ऑलमोस्ट डेढ़ बज चुके हैं इट्स वन थर्टी फाइव और इतनी लेट नाइट तक जबकि वीडियो बनाना का पर्पस जो है वो सिर्फ ये है कि आप लोगों का कल एग्जाम है और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इसको दिसंबर सेशन में देखेंगे हो सकता है ट्वेंटी ट्वेंटी टू जून सेशन के लिए आप इस वीडियो को देखो तो यार पास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही जो सब पेपर में आए हुए हैं तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है इट्स नॉट लाइक कि अभी वाले बच्चों के लिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड आगे इन क्वेश्चन की रिलेवेंस कम हो जाएगी तो बच्चे बाद में भी वीडियो देखें तो बस ये लाइन मैंने ऐड किया कि अगर मैं कल परसों एग्ज़ाम बोल रही तो हो सकता है बाद वाले बच्चे से इतना कनेक्टेड फील नहीं करें बट या बाद के लिए भी कुछ डिफरेंट चीज़ें आएंगी और भी नए तरीके से रिविजन करेंगे बट फॉर नाउ ये चीज़ें आगे तक काम आने वाली हैं अभी आगे दस साल तक भी ये क्वेश्चन काम आएंगे बिकॉज ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं अब हम जो इस वीडियो में कर रहे हैं टॉपिक वो है आपका एक छोटा सा टॉपिक है टेन मार्कर का दिया ये दिसंबर ट्वेंटी नाइनटीन के पेपर में बट आप ऑब्जर्व करोगे अगर और भी प्रीवियस ईयर के पेपर तो दिसंबर ट्वेंटी एटीन के पेपर में ये आपको प्रॉपर क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स का मिलेगा तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूं जितना मैंने लिखा इतना टेन मार्क्स के लिए मोर देन इनफ है आप इतनी बातें लिख सकते हो बट वैन इट कम इन ट्वेंटी मार्क्स तो आप इस, आपको इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को थोड़ा और एक्सटेंड कर देना होगा अपने आप से क्या है ये सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो सेवेंटी फोर्थ अमेडमेंट की बात करें तो हेडिंग सेवेंटी फोर है बट मैंने यहाँ पे सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ दोनों कवर करें हैं। क्लियर सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेडमेंट की बात बताऊं तो यहाँ पे हुआ क्या था सेवेंटी थ्री और सेवेंटी फोर अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नाइन नाइनटी टू में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत एंड म्यूनिपैलिटी का सिस्टम ऐड किया गया था पंचायत एंड म्यूनिपैलिटी स्टार्टिंग से ऐड ऐड ऑन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना दे आर द अमेंडमेंट्स दैट वॉज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इनटीन नाइनटी टू प्रॉब्लम क्या थी प्रॉब्लम ये थी हमें जो आपकी डेमोक्रेसी थी डेमोक्रेसी चल रही थी सब कुछ ठीक था बट तो हमें डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल तक लेके जाना था ग्रासरूट लेवल मतलब टिल द लोएस्ट लेवल इन द हिरार्टी ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर अब हम देखें तो एक कंट्री uh, है कंट्री में आपके क्या है स्टेट्स है स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके विलेज आते हैं तो हमें हर लेवल पे क्या करना है डेमोक्रेसी पहुंचानी है अब सेंटर पे बैठी गवर्नमेंट विलेज पे बैठी सारी चीजों पे प्रॉपरली डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाएगी और डायरेक्टली कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश कर पाएगी तो एक कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए लोगों से ज़्यादा कनेक्शन फील करें लोगों की प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से समझ पाए एंड देन उसके लिए प्लान पॉलिसीज अच्छे से बन पाए इसके लिए यहाँ पे 1992 में पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी जो थी वो फॉर्म की गई और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसे ऐड किया गया तो ये जो है ये पास किए गए थे दिसंबर 1992 में इनके थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था रूरल रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया में ये एक्ट जो था ये इन्फोर्समेंट में कब आया 1992 में बात कर दी गई थी बट आपका सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट इन्फोर्समेंट में आया अप्रैल 24 1993 एंड आपका सेवेंटी यानी म्यूनिस्पैलिटी जो आया वो जून फर्स्ट नाइनटीन को आया फीचर्स और प्रोविजन की अगर मैं बात करूँ तो एक एक करके डिस्कस करें देखो अगर मैं नॉर्मली जब इसको डिस्कस करूँगी 73, 74 मतलब डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में तो मैं बहुत प्यार से अलग अलग चीज़ें अलग अलग एग्जाम्पल समझा के आपसे बहुत डिटेल में बात कर सकती हूँ इस टॉपिक पे बट अभी क्योंकि एग्जाम बहुत नियर है और हमको मेन टॉपिक पे रिवीजन फॉर्म में काम करना है तो मैं इसकी मेन बातें जो एग्जाम के लिए प्रेजेंट uh, करने के लिए ज़रूरी है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ अब हो सकता है बहुत से बच्चे ये टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी तो वो प्लीज़ ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि uh, इसमें आपने ये नहीं बताया इसमें तो ये भी हो सकता है उसमें वो भी हो सकता है बिकॉज आई नो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और ये टॉपिक अपने आप में एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक बन सकता है बट मैं थोड़ा एग्ज़ाम के ईजीनेस के वे में यहाँ पे यह चीज़ आपसे डिस्कस कर रही हूँ ओके तो यहाँ पे हमारे फीचर्स क्या है या प्रोविजंस क्या है सेवेंटी थ्री और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के पहली बात तो ये अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में दो नए पार्ट जोड़ दिए सेवेंटी थर्ड जो था वो पंचायत था वो पार्ट नाइन में ऐड किया गया और सेवेंटी फोर्थ जो था वो आपका पार्ट नाइन ए में ऐड करा क्लियर सिमिलरली शेड्यूल्स भी जोड़े गए थे आप शेड्यूल्स आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल बारह शेड्यूल है तो टोटल कौन से शेड्यूल में पंचायत आता है और कौन से शेड्यूल में म्यूनिस्पैलिटी की बात आती है ये आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे थ्री टायर सिस्टम को पंचायत लेवल पे इस्टैब्लिश करने की बात की गई विलेज लेवल पे ब्लॉक लेवल पे एंड देन आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ठीक है प्लस उन स्टेट को छोड़ के हर जगह होगा लेकिन उन स्टेट को छोड़ दिया जाएगा जहाँ पे पॉपुलेशन ट्वेंटी लाख से कम है तो ये आर्टिकल 243 बी में मेंशन है में आर्टिकल नहीं याद हो रहा है तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है प्रोविजंस याद कर लीजिए अच्छी बात है एक आधा आर्टिकल याद रह जाएगा तो इट्स वेल एंड गुड फिर स्टेट एट ऑल लेवल टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन जो भी सीट्स हैं सॉरी इट्स नॉट स्टेट सीट्स जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से फिल की जाएंगी सारी ये बात भी हमारी प्रॉपर लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में सीट्स जो आप एस सी के लिए रिजर्व करोगे तो वो कितनी सीट्स रिजर्व करोगे सीट्स प्रॉपर फिक्स नहीं है लेकिन कहा गया जितनी एस सी की पॉपुलेशन है जितने वो लोग नंबर है उस बेसिस में प्रोपोर्शनेट सिस्टम करके हम लोग उनके लिए सीट देखेंगे कि कितनी रिजर्व करनी है यहाँ पे नेक्स्ट प्रोविजन की हम लोग बात करें तो ऑफ ऑफ द टोटल नंबर सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व की जाएगी मैंने जेंडर वाले पार्ट में भी आपको बताया था कि वुमेन के लिए वन थर्ड सीट रिजर्वेशन की बात की जाती है यहाँ पे प्लस जो आपकी वन थर्ड सीट सीट एस सी एस टी के लिए रिजर्व है वो भी वुमेन के लिए मतलब वहां पे भी वुमेन वाला प्रोविजन जो है वो अप्लाई होता है जितनी भी आप सीट रिजर्व करोगे उसमें वन थर्ड ऑफ द एस सी एंड वन थर्ड ऑफ द एस टी जो है मतलब वन थर्ड एस सी एस टी हम इन टोटल लेंगे टर्म पांच साल तक की रहती है पांच साल बाद इसको प्रॉपरली क्या होता है दोबारा इलेक्शन होता है और दोबारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है चीजों को इन केस ऑफ डिजोल्यूशन इलेक्शन इज कम्पल्सरी विद इन सिक्स मंथ इसका क्या मतलब है अगर किसी भी रीजन से ये डिजोल्व हो जाती है आपकी पंचायत या म्यूनिपैलिटी तो वहां पे आप छह महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन कराओगे हाँ बट अगर टर्म पीरियड जल्दी ही खत्म होने वाला है मान लो डिजोल्व अब हुई है और अब से आठ नौ महीने में हमारा टर्म पीरियड ही खत्म होने वाला है नए इलेक्शन होने वाले हैं तो फिर आप नौ महीने बाद भी इलेक्शन करा लो कोई वहां पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बट बहुत ज्यादा टाइम हो तो छह महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा लेने होते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन सेटअप की जाएगी जो प्रॉपर इलेक्टोरल रोल देखेगी स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन सेट की जाएगी स्टेट की ही जो इलेक्शन कमीशन होती है वही यहाँ पे पंचायत और म्यूनसिपालटी का इलेक्शन कंडक्ट कराती है इलेक्टोरल रोल देखना पार्टी सिंबल देखना सीट्स देना टिकट्स देना ये सब चीजें कौन इंश्योर कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है सेंटर लेवल पे की होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो सेंटर के देखेगी चीजें स्टेट state की स्टेट्स की देखती है प्लस पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी की जो ये बेसिक रूल्स होते हैं ये भी कौन देखती है आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन देखती है पंचायत जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान बनाएगी जस्टिस मेक श्योर करेगी कि सोशल जस्टिस रहे वहां पे ठीक है ये चीज जो है ये कौन काम करके चलता है पंचायत ये सारी चीजें देख के चलती है पंचायत इस चीज में अपने हिसाब से भी एक्शन और अपने हिसाब से प्लान एंड पॉलिसी भी फ्रेम कर सकती है अमेंडमेंट तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग प्लानिंग कमेटी की जो क्या करेगी प्लानिंग है नाम से दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ये भी दिख रहा है ये जो पंचायत ने प्लान बनाए होंगे ना उनको कंसोलिडेट करेगी मिक्स करेगी विद द विद्लास ऑफ द स्टेट पंचायत एंड म्यूनिस्पैलिटी के प्लान को मिक्स करके यहाँ पे स्टेट के प्लान के साथ कंसिडर करके आगे उस बेसिस पे क्या बनाया जाएगा मतलब प्लान को आगे अपाधिक्लान प्लान भी बनेंगे तो प्लान पास भी होते हैं देन प्लान के बेसिस पे फिर बजटिंग भी की जाती है तो ये सारे काम यहाँ पे इस अकॉर्डिंगली लेवल पे किए जाएंगे फिर यहाँ पे फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी हर स्टेट की जिस तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और म्यूनसिपाली के इलेक्शन कराती है उसी तरीके से स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ की फंडिंग देती है कि किस तरीके से फंड जो है वो फ्लो करेंगे तो ये 74, 73 दोनों कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट की प्रोविजन की 10 मार्क्स में आएगा तो ये सारी बेसिक बातें बता देनी है और अगर आपका ये 20 मार्क्स में आता है तो आपको इनको थोड़ा एक्सरेट करके एक्सप्लेन करना है और इंट्रोडक्शन में आपको ग्रास रूट लेवल ग्रास रूट डेमोक्रेसी को भी एक्सप्लेन करना है देवर देवर इंट्रोड्यूस आपकी जो सेवेंटी और सेवंटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई है ये क्यों आई है देवर इंट्रोड्यूस टू इंश्योर और टू प्रमोट द ग्रास रूट डेमोक्रेसी ओके okay? so, सो आई होप यहां पर क्लियर हुआ होगा यह टॉपिक हमारा सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है एग्जाम में बिकॉज मल्टीपल टाइम एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है सो so, इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे एमपीएस फ्री का अभी आई कै नॉट अश्योर कि अभी मैं रात में ही वीडियो देने वाली हूं या मैं कल मॉर्निंग में अपलोड करूंगी और नेक्स्ट वीडियो बट uh, अभी वीडियोज हम लोग कल वीडियो फॉर्मेट में और भी बहुत सारे डिस्कशन करेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो